वेलकम टू माई चैनल। सेकेंड इनिंग लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। मैं हूं आपका दोस्त नीरज जैन। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग शिव सागर में हैं। यहां पे हम सौभाग्य रेजिडेंसी में ठहरे हुए हैं। यहां पे जो होटल हमें मिला है वो 1500 रुपये में डबल बेडरूम मिला है, एसी रूम नया बना हुआ है, बहुत बढ़िया कमरा, स्पेशियस बाथरूम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इस सबसे पहले जब हम आए थे शिव सागर में तो हम लोगों ने तलातल में गए थे, मतलब जो पैलेस है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे हम थोड़ा लेट पहुँचे थे तो हम को गाइड नहीं मिला था उस समय, मतलब कोई था नहीं। जब हमने लौट के आए तो गेट पे हमने पूछा कि यहाँ पे गाइड क्यों नहीं है, तो एक सज्जन आए कि बोले ये गाइड हैं। तो फिर उन्होंने उनसे हमने बाद में बात करी और उन्होंने जो बताया वो सब इसमें रिकॉर्ड है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग आएँ तो गाइड ज़रूर करें, तो पता ही लगेगा क्या चीज़ कहाँ है। यहाँ का जो हमारा प्रवास है हमने बहुत अच्छा रहा। शिव सागर में हमने तलातल देखा, फिर गोला, उसके प्रांगण के अंदर ही एक गोला घर है वो देखा, रंग महल देखा जहाँ पे राजा बैठ के अपना सारा कार्यक्रम देखते थे, बुल फाइट देखते थे, दंगल देखते थे। फिर हम लोग शिव दयाल मंदिर गए, पूरा मंदिर शिवमय था, सावन का महीना है, सब वहाँ पर जल चढ़ा रहे थे, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, सब इतने उत्साहित थे वहाँ पे, श्रद्धा से सब लोग आ रहे थे, बाबा के फूल जला रहे थे, अर्पित कर रहे थे, जल अर्पित कर रहे थे, तो मतलब बहुत बढ़िया रहा। इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, कोई कमी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। तलातल घर, अहोम राजा का, अहोम डायनेस्टी का, अहोम राजा का एक है, अहोम डायनेस्टी, अहोम राजा का ये महल हुआ करते थे तलातल घर। ये पहले 7 महला का था, अभी तो 7 मंजिला था पहले, अभी लेकिन वो नहीं है। नीचे में 3 मंजिला है, ऊपर में 4 मंजिला था, अभी डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी ऊपर तक जाना देंगे, अभी देखे फिर नीचे, आजकल नीचे भी जाना देगा शायद देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तलातल घर के नाम से जाना जाता है, अहोम राजा राजेश्वर सिंह 1751 में इसका निर्माण हुआ था।
तोपे हैं, अंडरग्राउंड जा रही है नदी? नहीं नहीं, अच्छा सुरंग जो नदी पे निकल, हाँ नदी पे निकलती होगी उस समय में। अभी तो नीचे बंद है, कर दिया है। जब मतलब अटैकर्स आते थे तो वो जैसे निकल, हाँ यहाँ से सुरंग से निकल के नदी तक चला जाते थे राजा और राजा का फैमिली। अच्छा, तो वो बच जाते थे। अहोम राजाओं का ये राजमहल है। उस ज़माने में इसको बनने में 18 साल लगे थे, 51 से 69 तक। 7 मंजिला ये महल हुआ करता था, आज तो केवल अवशेष बचे हैं इसके। है? नीचे 3 महल अभी, हाँ, और ऊपर 4 थे। 4 थे ऊपर, टोटल 7 महल। 7 महल थे, मतलब अंडरग्राउंड थे। अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड थे। 3 महल अंडरग्राउंड थे और ऊपर 4 महल थे। ऊपर 4 मंजिला ऊपर था और 3 मंजिला अंडरग्राउंड था। और उसकी एक सुरंग वहां पे यहां से नदी पे निकलती थी। जब दिखो नदी, दिखो नदी पे निकलती थी। जब भी कोई अटैकर अटैक करता था तो राज फैमिली उससे वहां निकल जाती थी, सेफ, सुरक्षित निकल जाता था। होम डायनेस्टी ने करीब 600 ईयर्स यहाँ पे रूल किया है। इंडिया में बहुत ही कम डायनेस्टी है जो लगातार 600 ईयर्स रूल किया है एक ही जगह पे। चारों तरफ से घिरा हुआ हरियाली, कितना सुंदर नज़ारा है। अभी भी पेड़ हैं चारों तरफ, ग्रीनरी ग्रीनरी। फादर्स को, अच्छा, जो पूर्वजों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पूजा करते थे यहाँ पर। मैं साल में एक बार होता था। अच्छा, वो दिन का होता है मैदाम मेफी। क्या दिन? मैदाम मेफी, मैदाम मेफी। उसमें वो दिन में वो लोग पूर्वजों की पूजा करते थे, पूजा करते थे। जैसे श्राद्ध होते हैं हमारे यहाँ, उसी तरह से ये मंदिर होगा, देवालय।
इसमें ये दुर्गा का जैसे है ना, ये काली का माँ दुर्गा का ये मंदिरों के लिए अवशेष थोड़ा सा ये बच्चे ये काली का है। कुछ अवशेष बचे हैं जो वाली है, पिलर कोई नहीं है, आले बने हुए चारों तरफ। अच्छा आर्किटेक्चर था पहले भी, ये भी आर्क में आया हुआ है, गेट भी जो भी हैं सब आर्क में बने हुए हैं। नीचे अंडरग्राउंड है, फ्लैश लाइट चला दिख रहा है। जैसे कि हाँ जैसे ही बताया था, हाँ ये अंडरग्राउंड महल जो बताया था, तीन मंजिला नीचे था, तो अभी फिलहाल एक मंजिल तक ही खुला होगा शायद, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। उस ज़माने का क्या बढ़िया आर्किटेक्ट रहा होगा, आज तो हम सोच भी नहीं सकते कितना एडवांस आर्किटेक्ट था, कि यहाँ पे पूरी लाइटिंग की और हवा की पूरी व्यवस्था। हाँ अंडरग्राउंड में भी नीचे आ गए हम लोग, ये सुरंग टाइप में कुछ है। हाँ हाँ सुरंग है, पता नहीं कहाँ निकलती होगी, अब तो क्लोज कर दी होगी इन्होंने। हाँ हो सकता है ग्राउंड अब तो हो सकता है ग्राउंड फ्लोर रहा हो, अब तो मट्टी से वैसे तो हम नीचे आ ही गए हैं काफ़ी, बट हो सकता है उस समय ग्राउंड फ्लोर रहा हो। हाँ यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तो दिखाई दे रहे हैं, तीसरा सबसे ऊपर। महल बड़ा, हाँ महल बड़ा था, पीछे तो बंद जंगल ही हो गया होगा पूरा, उस तरफ से घूम के जाना पड़ेगा, तो वापस उधर से जाना पड़ेगा। हाँ इधर से साउथ हिंद से पटना नहीं, बस इधर भी दूसरा
ऐसा लग रहा है जैसे हाथी खाना या कुछ है ना, हाथी खाना जैसे लग रहा है। हाँ बीच में वो दिख रही थी गैलरी, वो कहाँ गई? और इधर से होगी गैलरी, ये बीच में रास्ता दिख रहा है। हाँ ये रास्ते होंगे ना छोटे छोटे से, हाँ छोटे छोटे से करके ये गाइड भी नहीं है कोई, उनको गाइड कर लो बता दे। इधर देखो अगर ये हॉल है शायद, ये बहुत बड़ा मैं देखता हूँ कितना बड़ा हॉल है। नहीं वैसे ही आर्क बन के वो रूम बने हुए हैं, वैसे ही रूम बने हुए हैं। पीछे देखें कहाँ गया रास्ता, इधर पीछे कहाँ निकलता। ये शिवलिंग का कुछ है दिख रहा है तो, जैसे शिवलिंग को देखें ध्यान से। नहीं जैसे शिवलिंग होता था बीच में, शिवलिंग होगा यहाँ पे, रास्ता भी बना हुआ है ना। हाँ। पानी निकलने का जैसे शिव, हाँ होल है, होल है तो ऐसे लग रहा है शिवलिंग हो यहाँ। क्या कह सकते हैं गाइड तो कोई है नहीं बताएगा कौन। हाँ ये देखो कहाँ से कहाँ तक, बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल रहा ये किसी जमाने में। अरे वाह सामने भी है, उसमें भी स्ट्रक्चर में कुछ होगा, ये गैलरी है, रास्ता है वो ऊपर जो दिख रहा था ना उसमें नीचे। इधर भी ऊपर जाने का रास्ता कुछ बना रखा है मैंने, इधर है गेट है, इधर भी रास्ता है, उधर भी है, उधर से भी निकल सकते हैं। पीछे चलो पीछे तक देख के आते हैं, उधर से चलते हैं, जो चौड़ा रास्ता है थोड़ा सा। कितना बड़ा महल रहा होगा अगर इसका संरक्षण किया गया होता पहले से, अगर उसके रख रखाव किया गया तो बात ही कुछ और होती है। ये पीछे तक है, इधर सॉरी कुछ बना रखा है गोल सा, देखते हैं।
शिव सागर का है ये महल। गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और ये बस से ट्रेन से जुड़ा हुआ है। नियर बाय एयरपोर्ट इसका जोरहाट, डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी ही है जहाँ से मिले उसके आगे फिर बस या ट्रेन से जाना पड़ेगा। बट होम अहोम डायनेस्टी का यह महल वाकई बहुत बड़ा है पर इसका रख रखाव नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। खंडहर भी बुरी हालत में है, दीवारों पर भी काम चल रहा है। खंडर बताते हैं इमारत कभी बुलंद रही होगी। इतने जड़ों के ऐसे कर्व्स, वाव। ये कम से कम 3 फीट का है। 3 फीट का नहीं है, 4-5 फीट का होगा। 5 फीट का तो है, 4 फीट का तो है। 4 फीट आसार भी 4 फीट का है इसका। आज 9 इंच की दीवार बनती है। कितना ठंडा रहा होगा ना उस समय में, और नेचुरल लाइट और हवा का पूरा इंतजाम। ये 3 फीट का है। हाँ, सब झरोखे हवा के लिए ना, नेचुरल लाइट और हवा। आप तो एक के सामने एक है, क्रॉस वेंटिलेशन है। कितना दूर तक देखो फैला हुआ है ये सामने जीना रहा है तो उसमें पूरा झरोखा है। एक लाइन वैसे ही बने हुए हैं स्टेयर्स है ना। तो दरबार होगा उसमें। हाँ, फिर जो सैनिक होंगे उनका भी प्रबंध रहता ही। बट बड़ी अजीब बात है, यहाँ कोई आके वो नहीं है गाइड। गाइड हो तो वो बताता रहे। ये तो टेंपल ही है, ऊपर त्रिशूल लगा हुआ है। त्रिशूल लगा हुआ है ना, वही मैं बोल रही हूँ, उसमें तो टेंपल ही था वो। अंदर देवी की वो बनी हुई है। यहाँ पर क्या लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है क्या? नहीं होता। तो सोलर पैनल लगे हुए हैं बाहर लाइट के लिए। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, हाय डैड।
लाइट जाने के लिए अंधेरा होगा तो कुछ होगा। किसी ज़माने में बीच में फाउंटेंस लगे हुए होंगे, आज तो कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटी सा वो देखिए। क्या कहोगे, जगह तो है फाउंटेंस की, उस समय फाउंटेंस लगे होंगे, यहाँ पे फवारे चलते होंगे। ऑफिस में देखते हैं कोई हो। यहाँ भी तीन की जगह है, दो ही रह गई हैं, तो एक कहाँ गई, खो गई। बेसिकली ये महल है, ये महल का नाम है ये तलातल घर। ये तलातल घर असम का शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है, गुवाहाटी से 369 किलोमीटर डिस्टेंस में शिवसागर है, और शिवसागर मेन टाउन से 4 किलोमीटर डिस्टेंस में ये तलातल घर है। तलातल दैट मीन्स क्या है, अहोम राजा का पैलेस है। ये महल बनाया है 1751 में, जो राजा का नाम था राजेश्वर सिंहा। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसिकली ये 7 स्टोरीड है, 4 स्टोरीड अपन द अर्थ, 3 स्टोरीड बिलो हियर। देयर आर 2 सीक्रेट टनल्स, 1 टनल डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर, अनदर पैलेस वो जो है उसमें कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट टनल इज कनेक्टिविटी हियर, 1 रिवर, दिस रिवर नेम इज डीको, उसमें कनेक्टिविटी, यही महल का खास बात है। नेक्स्ट, ये महल खाने वाला चीज लगा कर बनाया गया था, काला दाल, राइस, फिश, एक सोर्स नल का सेल, उसी से ये महल बनाया है। काला दाल जो ब्लैक लेंटिल है, वो राइस से वो असम से मिलते हैं, वो राइस जनरली वो स्ट्रिकी है, उसका राइस केक भी बनाते हैं। लोकल पीपल वो बोलते हैं बड़ा चावल, राइस, फिश, एग, स्नेल का सेल, उसी से ये महल। दैट मीन्स मोतार जो बनाया है उस चीज में बनाया है, यही बात है। ये एक डायनेस्टी है, 17th time मुगल ने अटैक किया है ये डायनेस्टी को, या 17th time मुगल ने अटैक किया है ये डायनेस्टी को, बट ये डायनेस्टी सक्सेस हुआ है। खास बात यही है, यही है खास बात है, अहोम डायनेस्टी का 600 ईयर्स रूल किया है कॉन्टिन्यूस। 1228 में वो लोग आया है यूनान से, फर्स्ट किंग नेम इज सुकाफा। टोटल 1826-24 फरवरी, दैट टाइम वन टिटी, दैट टिटी इज यांडावो, दैट टाइम ब्रिटिशर्स आ गया है, वही बात है। ये अहोम डायनेस्टी का महल है, इसका नाम है तलातल घर। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मानस कलिता है, मैं यहाँ का गाइड हूँ। आप लोग कोई इधर आ सकते हैं ये डायनेस्टी का बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, महल देखने के लिए, बाड़ियल गाउन मिसर जैसा पिरामिड देखने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए भैया। हाँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6000952239 6000952239 Thank you। सामने गोला घर है, जहाँ राजा का गोला बारूद इकट्ठा रहता था। गोला घर, गोला बारूद रखने की जगह।
ये अहोम डायनेस्टी का गेट, नव द्वार बोलते हैं उसको, नव द्वार, नया द्वार, नया दरवाज़ा।